भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये हमने पहले से ही लिख रखा है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्रम संख्या, प्रादेशिक विभाजन लंबाई और विस्तार। विस्तार मतलब वो किन किन नदियों के मध्य स्थित है। तो पहले नंबर पे हमने लिखा है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की टोटल लंबाई 560 किलोमीटर है और यह सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कुमायूं हिमालय प्रादेशिक विभाजन। कुमायूं हिमालय इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है और यह सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की टोटल लंबाई 800 किलोमीटर और यह काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य स्थित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चौथे नंबर पे असम हिमालय। इसकी टोटल विस्तार या लंबाई 720 किलोमीटर है और यह तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। यह रहे आज के हमारे टॉपिक हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।